हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है। इसकी तोरण पट्टी भी हमने अलग अलग कलर में डिजाइन डाल के बनाई है। तो इसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और इसके लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से तोरण पट्टी बनाना देख सकते हैं। आज मैं केवल ये डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ पेटल्स का। तो ये एक मैंने बनाई है और दो पेटल्स का मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो ये हाफ तोरण पट्टी में हो गया और हाफ में मैं दूसरी पेटल बना के दिखाऊंगी। उसके बाद लास्ट में हम फिनिशिंग करेंगे इसकी, झालर वगैरह या पोम पोम पोल या जो भी आप फिनिशिंग करना चाहें जिससे भी, तो वो कर सकते हैं लास्ट में। तो अभी तो मैं डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करेंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के बाद तोरण पट्टी के डिज़ाइन के हिसाब से मैंने पेटल बनाई है। तो इसका ये वाला जो बीच का है, पाँच के बीच में, ये मैंने बीच में लिया है और ये साइडों में एक एक फूल लिया है और ये साइडों में मैंने हाफ पर, ये देखिए यहाँ हाफ इतना लिया है। तो ये मैं जैसे फिनिशिंग करूँगी तो ये फुल हो जाएगा, पूरा आ जाएगा इस डिज़ाइन में। तो ये पाँच का डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे। सेम ऐसे ही बना लेना है। तो शुरू करेंगे हम बीच वाले से, ये रेड वाले से। तो रेड वाले के बीच में शुरू करने के लिए हमें बीच वाला छोड़ के ये वाला जो तोरण पट्टी का राउंड है ये एकदम बीच में है फूल के, तो इधर वाला लेना है। और यहाँ पर आठ चेन बनानी है। और जो बीच का एकदम बीच में जो राउंड था इसे छोड़ देना है और नेक्स्ट में बांधना है। दो चेन ली है मैंने और ये इससे नेक्स्ट वाले में बांध लेंगे, ये वाले में एक छोड़ के। यहाँ पर आप तीन चेन भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ये बांध लिए, अभी एक चेन लेंगे और यहाँ पर मैं सात पफ बनाऊंगी गिन के ना, फोर टाइम एक पफ। एक हो गया, दो, तीन, चार। इसी तरह से ये सेवन पफ बनाने हैं मेरे को। एक चेन बीच में ले लेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे, चार, फिर एक चेन, तो इस तरह से टोटल ये सात बनेंगे इस वाले सर्कल में। तो ये देखिए ये सात पप बन गए हैं। अब इसे नेक्स्ट राउंड पर बांध लेना है तोरण पट्टी के इससे नेक्स्ट वाले पे ही। फिर दो चेन लूंगी और नेक्स्ट वाले में ही बांध देंगे। अब हर एक में दो दो बनाएंगे, दो पफ एक जगह पे। चार, एक चेन बीच में और फिर एक और सेम जगह पे। फिर चेन, ये देखिए दो बन गए। इसी तरह से हर एक में दो दो डाल लेने, सर्कल बढ़ जाएगा, अच्छी साइज हो जाएगी।
एक चेन। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने एक राउंड और कर लिया है ये वाला। इसमें मैंने डाला है, एक में तो सिंगल डाला है पफ, दूसरे में डबल पफ डाला है। तो इस तरह से एक में सिंगल एक में डबल पफ बना लिए हैं ये वाला राउंड। तो इसमें टोटल 19 पफ बने, काउंट करके बनाए तो 19 पफ। तो अब ये यहाँ पर जोड़ लेंगे और उसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे साइडों का। तो सर्कल लिए, हाफ सर्कल बनने के बाद हम ये वाला डिजाइन शुरू करेंगे। रेड वाला मैं डिजाइन शुरू कर रही हूँ। और यहीं से कर लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करो उस सेकंड पेटल में भी उसी से करना है। ये देखिए ये मैंने एक पप छोड़ के फिर कर रखा है, तो सेम ऐसे ही करना होता है। तभी एक जैसी पेटल्स आती हैं, सेम डिजाइन बनाएंगे तभी। अभी एक चेन और दो चेन, और यहाँ पर पफ बना लेना है। पफ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना हैवी रखना है या हल्का रखना है। फाइव टाइम या सिक्स टाइम के सही पफ बनते हैं। ये देखिए ये मैंने सिक्स टाइम लिया है। फिर दो चेन लूँगी, इसे खिंचता नहीं है। दो चेन लेके अगर पफ बनाते हैं, एक चेन या दो चेन लेके, तो इसी तरह से ये एक लाइन में पांच पफ बनाऊँगी मैं। ये देखिए सिक्स टाइम, दो बन गए, तीन और बना लूंगी सेम ऐसे ही। तो ये देखिए पांच पफ हो गए। इसी तरह से मेरे को लगातार बना लेने जितने मैंने पहली पेटल में बनाए हैं। सबसे पहले मैंने रेड बनाया, फिर ब्लू, तोड़ पट्टी के हिसाब से मैंने बनाए हैं रेड, फिर ये स्काई ब्लू, फिर पिंक, फिर ग्रीन, फिर ये येलो, येलो नहीं है तो फिर ऑरेंज कलर थोड़ा मैंने लगाया है, फिर ब्लू, फिर वापस वो ऐसे ही शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कलर लगाया है। तो अभी मैंने पाँच ये बना लिए, पाँच इसके बनाऊँगी, पाँच इसके, और नीचे हम एक एक ये छोड़ के बनाएंगे। ये वाला मैंने छोड़ा हुआ है, ये वाला भी छोड़ा हुआ है। इस तरह से एक में बनाना है, एक छोड़ देना है। अब ये मैंने बना लिया, ये वाला मैं छोड़ दूंगी, इसमें बनाऊंगी नेक्स्ट स्काई ब्लू। तो ये वाला छोड़ देना है और इससे स्टार्ट कर लेना है। सेम ऐसे ही बनाना है, सारे ऐसे ही बनेंगे। ये चेन लेके बनाओ या नहीं बनाओ वो आप जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। ये मैं थोड़ा खींचता नहीं है फिर इसलिए ले लेती हूँ एक चेन या दो चेन, तो आराम से बन जाते हैं। फाइव टाइम सिक्स टाइम जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारे बना लिए हैं, और रेड के सामने रेड, और ये स्काई ब्लू के सामने, ये पिंक के सामने, ये ऑरेंज के सामने, और ये वाला ग्रीन के सामने ग्रीन, और बीच में ब्लू कलर है। तो अब हमें इस पर ये वाइट वाला पार्ट लगाएंगे। तो ये किस तरह से लगेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से शुरू कर लेंगे। चार चेन लेनी है पहले, और इधर बांध लेना है तोड़ पट्टी पर, पहले वाले राउंड में ही। फिर चार चेन लेनी है, और जो ये वाला है पफ, इसके बीच में बांधना है इस तरह से। फिर चार चेन और तोड़न पट्टी पर बांधना है एक राउंड छोड़ के। फिर चार चेन और ये वाला बांधना है नेक्स्ट पर। तो ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चार चार लेके, इस वाले में पांच लेने हैं लास्ट में, एक एक बढ़ा लेने हैं। पांच, और लास्ट में यहाँ पर बांध लेना है। टर्न करेंगे और सात बना लेना है, पांच चेन हो गई, छः सात, और इस पर बांध लेना है। सात इस पर बांध लेना है, तो ये इस तरह से बंधेगा। और ये बीच में बांधना है, जो बीच में एक छुड्डा है उसमें। फिर चार चेन लेंगे और टर्न कर लेंगे चार चेन लेके, और ये वाला जो है बना के लाए हैं ऐसे करेंगे, तो ये हम सात चेन लेके बना के लाए हैं, तो इस पर बांध लेना है बीच में। और फिर चार चेन लेनी है और ब्लू वाला जो है फर्स्ट पर बांध लेना है। तो बस इसी तरह हम कंटिन्यू बनाना है। तो वाइट पार्ट हमारा बन जाएगा 3 4, एक साइड में सात चेन लेनी है और एक साइड में चार चेन लेके बांधते जाना है, फिर चार चेन लेनी है। इस तरह से कंटिन्यू बनाएंगे, चार चार बांध लेना है रेड वाले के साथ, चेन लिए हैं जहाँ पर। चार चेन चार चेन चार चेन लास्ट में यहाँ पर। फिर चार चेन और लास्ट में रेड वाले के किनारे पर बांध लेना है। इस तरह से बांध के और फिर चार चेन लेके इसका भी किनारा बांधना है।
और फिर सात चेन वाला शुरू कर लेंगे। सात चेन लेके इधर बांध लेना है दूसरी साइड में। तो इसी तरह से मैं कंटिन्यू एक साइड में सात चेन, एक साइड में कंटिन्यू बना लूँगी। ये देखिए, तो ये बीच वाला पार्ट वाइट का आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोरण हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हम बना लेंगे। एक सेम कलर की मैंने पोम पोम बोल लगा ली है और बीच में एक ये वाइट लगाई है। तो इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।